हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हियरी आज फिर से आपके सामने एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। आज हम जीपीएस, बेस्ट जीपीएस एप्लीकेशन एंड्रॉयड फ़ोन पे क्या है उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे। बहुत सारे सर्च करने के बाद प्ले स्टोर में मैं आखिरकार ये पाया हूँ, ये है वो एंड्रॉयड आईडी करके एक एप्लीकेशन है। ये देखिए, ऊपर में ऑप लिखा हुआ, जीपीएस ऑप है, सॉरी, हाँ जीपीएस ऑप को ऑन करते हैं, लोकेशन में आएगा। ये देखिए, असिस्ट में लोकेट ऑन हुआ, फिर ऊपर जाके जीपीएस को ऑन करना है, फिर देखिए वेटिंग दिखा रहा है। ये देखिए एक जीपीएस, एक सैटेलाइट यूएस का, फिर एक मिल गया, दो हो गया है, ऑन दिखा रहा है। देखिए जीपीएस ऑन हो गया है, फिर तीन चार करके इसे वो दिखाएगा। नीचे देखिए आपका लोकेशन दिखा रहा है, वो आप कहाँ पे है, यूटीएम कोऑर्डिनेट में दिखा रहा है, 45Q3324090 और एंड 2440383 कोऑर्डिनेट है मेरा लोकेशन का। ऊपर में दिखा रहा है WGS84 में है। फिर आप अगर कंपास मोड में जाना चाहते हैं तो इधर नीचे है कंपास मोड, आप कंपास मोड में भी जा सकते हैं। फिर ये आपका गया सैटेलाइट मोड है, फिर आपको ये तीसरे नंबर पे ये जीपीएस का क्या सिग्नल आ रहा है, कौन सा कंट्री का है, क्या है, उसके बारे में ये दे रहा है। फिर आपको ये थर्ड वाला, आपका जो मोबाइल है वो क्या मूविंग कर रहा है, कि कंस्टेंट है, क्या कितना मूव कर रहा है, उसके बारे में टाइम दिखा रहा है, लोकल टाइम जो है, यह सब है। फिर आप ये मैप पे आ गए हैं, मैप पे आप वो गूगल मैप में दिखाएगा आपको आप कहाँ है। अभी थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, नहीं आ रहा है जल्दी से। ठीक है, ये इसमें आप गूगल मैप में देख सकते हैं आप कहाँ पे। ये नीचे देखिए वो एरर दिखा रहा है, 2 मीटर करके एरर है, नीचे कोऑर्डिनेट जो है 45Q, उसके बाद कोऑर्डिनेट, फिर एरर क्या है दिखा रहा है। ये देखिए आ गया उसका कोऑर्डिनेट, हम अभी जहाँ पर, हालांकि ये मैप थोड़ा पुराना है पर आ रहा है। फिर ये देखिए आपका वे पॉइंट टच डिजिट है, ये देखिए वे पॉइंट आप फिक्स कर सकते हैं, ये नया वे पॉइंट आप ये जगह का ले सकते हैं, ये एक्टिविटी, ये क्या वे पॉइंट ले, ये पहले से मैं सब सेव किया हूँ। फिर आइए यहीं पे, ये देखिए, फिर अगर आप उसका तो नीचे उसका ऑप्शन है न्यूज है, हेल्प है, सेंड पोजीशन, आप पोजीशन सेंड कर सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं, किसी दूसरे को आप सेंड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो पोजीशन, आपका लोकेशन एक्सपोर्ट। कोऑर्डिनेट्स में आप अगर जाएंगे तो आपको ये जगह का 3-4 का डिग्री डेसिमल में आएगा, डिग्री मिनट में आएगा, डिग्री मिनट सेकेंड में भी कोऑर्डिनेट देगा आपको, यूटीएम में भी देगा, इतने सारे फॉर्मेट में वो आपको कोऑर्डिनेट एक्सपोर्ट करेगा। फिर एज पीस एक्स्ट्रा डाटा है, ये नीचे सेटिंग है, सेटिंग में देखते हैं क्या है। ये देखिए बहुत सारे, लैंग्वेज का सेटिंग है, वॉइस मैसेज का सेटिंग है, स्टेटस बार का है, डाटम का है, मैप का है, रोटेशन में है, एडजस्ट एटीट्यूड है, जीपीएस कोऑर्डिनेट फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, स्पीड क्या यूनिट रखेंगे वो चेंज कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेशन जो है उसको चेंज कर सकते हैं, अल्टीट्यूड का चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो मैं बहुत सर्च करने के बाद ये एप्लीकेशन मेरे को मिला था, लगता है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है जीपीएस, स्पेशली जीपीएस अगर हम देखेंगे तो एंड्रॉयड फ़ोन पे ये एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है। देखिए अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कीजिए, आपका सारे ज़रूरत जो होता है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कंपास, वो कोऑर्डिनेट को किसी भी में आप चाहेंगे वो देख सकते हैं, अल्टीट्यूड देख सकते हैं, वो आपका लोकेशन किसी को सेंड कर सकते हैं कहाँ है,
नेविगेशन कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ इसमें भरा पड़ा है आपके हिसाब से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। मैं आगे और ही वीडियो पोस्ट करूँगा उसके बारे में। फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।